खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे लौट आए हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी AICC ने सौंपी है। इस दौरान बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई कि किस प्रकार संगठन के साथ मतदाताओं के बीच जाना है, साथ ही किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। CM ने केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में 50% सुविधा को खत्म किए जाने को लेकर कहा कि वैसे ही रेल बंद कर दी है, 1000 ट्रेनें पहले ही बंद है, अब जो सुविधाएं मिल रही थी वह भी बंद है। टिकट और प्लेटफॉर्म पर टिकट के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, रेल अब निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, लोगों को अब सस्ता यात्रा सुलभ नहीं होगा। वहीं विधायक कृष्ण कुमार बधिक के बयान पर भी CM बघेल ने निशाना साधा, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हिमाचल प्रदेश के जो सभी AICC ने जिम्मेदारी दी है वो सारे चेयरमैन उपस्थित थे, PCC चीफ, CLP लीडर और तमाम सब नेता लोग वहाँ उपस्थित थे। और आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बहुत ही गंभीर मंत्रणा हुई। वैसी रेल बंद कर दी है, 1000 ट्रेनें पहले बंद है, अब जो सुविधाएं मिल रही थी वो बंद हैं, ट्रेन की टिकटें बंद।